हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपके एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो आज नया टॉपिक में बात करते हैं। बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। अब सुनो ध्यान से, आपके एसएससी वाले ने सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि 15 से आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज हो गया 5 अप्रैल और अभी तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो देखो, जिस भी बच्चे को लगता है कि वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, वो रनिंग लगातार करते रहो। ये नहीं कि 5 से 7 दिन में आपके 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं बनेगी, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो वेट मत करो, आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन पर हो, फिर भी आप रनिंग के लिए जाओ, समझ गए। इस बार वैकेंसी भी अच्छी है और कट ऑफ कम जाएगी। बहुत सारे टीचर बता रहे हैं इतना ज़्यादा कटअप जाएगा, उतना ज़्यादा कटअप जाएगा, उतना ज़्यादा कटअप कुछ भी नहीं जाएगा भाई, नॉर्मल से कटअप जाएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। और कटअप की वीडियो स्पेशली सेपरेट बनाएंगे। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो इस रिजल्ट का वेट के चक्कर में रनिंग करने नहीं जा रहा है, तो भूल जाना वर्दी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप नहीं तैयारी कर रहे हो रनिंग की, तो भूल जाना कि आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, समझ गए। तो इसलिए अपने रनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। आपके जितने फिजिकल वर्क हैं, बहुत सारे भाई का नोकनी है, तो नोकनी पे काम करो, बहुत सारे एक्सरसाइज करो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो। बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं जिससे आपका नोकनी पूरी तरह ठीक तो नहीं सकता, लेकिन बच सकते हो, ठीक है ना, बच सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, समझ गए, और चेस्ट फुलाने की कोशिश करो। और नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा कि चेस्ट कैसे एक्सपेंशन किया जाए, ठीक है ना। बहुत सारे भाइयों का होता क्या है, ये 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फिजिकल में भी आउट हो जाते हैं। तो ये सारे बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से ही हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड लो और समझ के रनिंग के लिए जाओ। ऑयली फूड साफ बंद कर दो, क्योंकि आपका बहुत जल्दी फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यही बातों को लेकर मैं आ जाया था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, ठीक है ना। आप सब अपने फिजिकल पे, जिसका रनिंग अच्छा नहीं हो रहा है वो शाम के टाइम भी रनिंग करने जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी कटअप से रिलेटेड, चाहे किसी से रिलेटेड भी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अगर जो भाई नया होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, एक एक न्यू नोटिफिकेशन आपको हमेशा देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना एक ही नारा है, सिलेक्शन लेना है। जय हिंद।